फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। और आज के इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स बताने वाले हैं कि मिनिमम कितने डाउन पेमेंट में आप फ्रॉन्क्स को फाइनेंस करा सकते हैं, क्या कुछ अभी ऑफर चल रहा है इस फेस्टिव सीजन के मौके पे। अगर आप भी प्लान कर रहे थे फ्रेंड्स किसी भी न्यू कार को परचेस करने की, तो आप आज के इस वीडियो को देख लें। आज के इस वीडियो में सर यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। माई सेल्फ सूरज कुमार सुमन, मैं यहाँ पे RRM पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी सर अगर हम करेंटली बात करते हैं फ्रॉन्क्स की, तो कितने से स्टार्ट हो जाती है फ्रॉन्क्स अपनी ऑन रोड? सर ऑन रोड आपको फ्रॉन्क्स 9 लाख से स्टार्टिंग है इसकी बेस मॉडल। बेस मॉडल जी। और टॉप कितने तक जाती है? टॉप मॉडल सर 13,37,150 रुपये है। ठीक है, तो ये जो अभी हमारे साथ में वेरिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कौन सा है? ये टॉप मॉडल है सर, सबसे टॉप। अगर हम करेंटली अभी अगर फ्रॉन्क्स अगर हम परचेस करते हैं इस वेरिएंट में अपना सबसे टॉप मॉडल में, तो मिनिमम कितने डाउन पेमेंट हम आप हमें प्रोवाइड कर देंगे? मिनिमम सर आप 3 लाख डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा फाइनेंस में? आधार, पैन, आपका अगर GST है तो GST, ITR आप भर रहे हैं तो ITR प्लस GST आप भर सकते हैं, दे सकते हैं आप, जिसके थ्रू आपका लोन का जो प्रोसेस है वो आगे करवा दिया जाएगा। बाकी अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो फिर वो किस तरह से करा सकते हैं? सैलरीड पर्सन के लिए सर आधार, पैन, उनका बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। कितना मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का। 6 मंथ जी। ठीक है, और ओवरऑल में अगर हम इस वेरिएंट की बात करते हैं अपने फ्रॉन्क्स की, तो आप हमें ये बताएं कि माइलेज वगैरह कितना इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका माइलेज सर कंपनी क्लेम है 22 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, बट सर ये जैसे आप उन हाईवे चलिएगा तो आपको 18 से 20 आपका माइलेज है, इन सिटी आपको 16 से 18 के बीच में माइलेज है इसका। ठीक है, तो अगर हम हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ में जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? हाइब्रिड इंजन में सर इसमें टर्बो इंजन लगा हुआ है, इससे क्या होता है सर कि गाड़ी जो है वो टॉर्क ज़्यादा प्रोवाइड करता है। टॉर्क प्रोवाइड होने के कारण गाड़ी में पावर ज़्यादा आता है। पावर ज़्यादा आने के कारण गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से पिकअप धरती है, और इसमें जो टर्बो इंजन लगा हुआ है वो जो है स्पेशली ये इसको इसका माइलेज बढ़ाने के लिए स्पेशल वो लगाया गया है। और इसमें एक लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो इंटरनल जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं वो बैटरी से बैटरी से संचालित होते हैं। मतलब उसमें जो है वो अपना किसी भी तरह का मतलब एक्स्ट्रा जो अपना माइलेज है वो मतलब यहाँ पे प्रोवाइड होता है, और अपना जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो सेव हो जाता जी, है जी। फ्यूल तो अभी अगर हम ओवरऑल में अगर हम इसे फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपने कितना बताया था डाउन पेमेंट? 3 लाख। 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये के हिसाब से आप हमें बताएं कि EMI क्या हमारा बनेगा, और कितना कितना हमें जो टाइम ऑप्शन है मतलब लोन का वो मिल जाता है? सर लोन हमारे यहाँ 5 साल का भी होता है, 7 साल का भी होता है। आप अगर 3 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 10 लाख समथिंग का आपका लोन हो जाता है सर। इसमें आप 5 साल के लिए आपको सर 20,500 रुपया का लोन EMI बनेगा 5 साल के लिए, 60 मंथ के लिए। ठीक है, और 16,500 का बनेगा आपको 84 मंथ के लिए। 84 मंथ के लिए जी। ठीक है, तो अभी ओवरऑल में अगर हम देखते हैं अगर फ्रॉन्क्स हम परचेस करना चाहते हैं तो कौन सा वेरिएंट जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा फ्रॉन्क्स सर? बेस्ट तो हमारा ये अल्फा मॉडल है सर। इसमें 1.2 लीटर टर्बो इंजन है, आपको बताया है सर कि इसका टर्बो इंजन क्या करता है, माइलेज के लिए भी, एफिशिएंसी के लिए भी है। हाँ हाँ, मतलब उसके लिए ये बेस्ट हो जाता जी, है बेस्ट। बाकी अगर कोई थोड़े अगर मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स के तरफ अगर जाना चाहे जिनका जो बजट है वो 10 लाख रुपए के अप्रॉक्स का है, तो वो कौन सा वेरिएंट? डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस जी, तो मतलब वो 10 लाख रुपए के बजट में आ जाता है। 10 लाख के बजट में आता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो मतलब इसके कंपैरिजन में हमें क्या क्या मतलब नहीं देखने को मिलता है उसमें? सर 360 व्यू कैमरा नहीं रहेगा, हेड अप डिस्प्ले नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें सर सिर्फ 2 एयरबैग रहेंगे। और इसमें? इसमें सर 6 एयरबैग हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड अलॉय व्हील है सर। उसमें प्रिस्क्राइब्ड अलॉय व्हील नहीं रहेगा, पेंटेड अलॉय व्हील रहेगा उसका। अच्छा, उसका पेंटेड अलॉय व्हील रहेगा। इसमें मतलब अपना जो डायमंड कट वाला रहता है जी, वो है। यस। ठीक है, और बाकी अगर हम ये सब देखते हैं तो ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है? ये सब नहीं रहेगा सर। ये सब नहीं रहेगा? नहीं सर, ये सब नहीं रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल में अगर देखते हैं तो जरूरत की हमें सारी चीजें डेल्टा में मिल जाती है? प्लस में आपको मिल जाएगी सर, डेल्टा प्लस जी। ठीक है, तो उसका जो अपना करंट ऑन रोड प्राइस है वो क्या जा रहा है? 10 लाख 20 हजार समथिंग जा रहा है उसका। ठीक है, और अगर हम उसे अगर अभी परचेस करते हैं तो उसमें कितने का डिस्काउंट मिलेगा? उसमें भी 30 हजार का ऑफर चल रहा है। उसमें भी 30 हजार रुपए का ऑफर? ठीक है, टर्बो में। टर्बो और 1.2 लीटर में जाएगा तो उसमें 20 हजार का ऑफर चल रहा है। 20 हजार रुपए का ऑफर, तो मतलब दो इंजन ऑप्शन, एक अपना 1 लीटर टर्बो, एक 1.2 आ जाता है। हाँ। और अगर कोई CNG में फ्रॉन्क्स अगर परचेस करना चाहता है, जैसे काफी लोग हैं आजकल जैसे CNG अपना ट्रेंड में है और CNG एक तरह से अच्छा भी है एनवायरमेंट के लिए, तो अगर हम CNG अगर परचेस करना चाहते हैं तो CNG आप हमें ये बताएं कि लगभग मतलब कितने बजट में आ जाता है? सर CNG इसका दो मॉडल में आता है, एक बेस मॉडल और एक बेस से ऊपर सिग्मा और डेल्टा में आता है। बस दो ही वेरिएंट, दो ही वेरिएंट में आते हैं सर। ठीक है, तो सिग्मा अगर हम लेते हैं मतलब सपोज दैट सबसे बेस मॉडल CNG का, तो कितने में ऑन रोड आ जाता है? ऑन रोड आपको सर 9.5 लाख पड़ेगा सर। 9.5 लाख जी। उसमें डिस्काउंट कितने का है? उसमें डिस्काउंट 15 हजार का सर। 15 हजार रुपए जी। ठीक है, और अगर हम उसमें माइलेज की बात करते हैं तो CNG में हमें क्या माइलेज? CNG में माइलेज आपको सर 28 प्लस मिलेगा।
28 प्लस का, मतलब काफी अच्छा माइलेज सीएनजी में। हाँ, सीएनजी में माइलेज बढ़िया है सर। और उसमें एक टैंक अगर हम देखते हैं तो कितने केजी सीएनजी ले लेता है अपना? 8 से 10 केजी ले लेता है सर, प्रेशर पे, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर कोई अगर एक टैंक अगर कंप्लीट ले रहा है तो वो लगभग कितना किलोमीटर जो है वो चलता? जैसे सर सीएनजी अगर 10 केजी फ्यूल प्रेशर के साथ आप लेते हैं तो लगभग आप 250 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। ठीक है, मतलब 250 किलोमीटर पेट्रोल तक का रेंज मिल जाता है जी आराम से। ठीक है, तो ओवरऑल में अगर अभी हम देखते हैं तो फ्रॉन्क्स में ज्यादा कौन सा बिक रहा है, पेट्रोल या सीएनजी? पेट्रोल प्लस सीएनजी ही बिक रहा है सर, पेट्रोल ही बिक रहा है। क्यों सर? क्योंकि पेट्रोल में इसका माइलेज जो है ना सर वो 22 प्लस आराम से दे रही है, मतलब हाइब्रिड में जी, हाइब्रिड में भी नॉर्मल में भी सर। अच्छा, हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा है, नॉर्मल में थोड़ा कम है सर। कितने का डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल और हाइब्रिड? 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर बस जी सर। और अपना जो अगर हम देखते हैं तो बेस मॉडल में तो अपना नॉर्मल 1.2 वाला ही आता जी, है जी, नॉर्मल 1.2। तो अभी जो आप लोग इंजन ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं 1.2 वाला, वो जो अपना 3 सिलेंडर वाला है वो है या 4 सिलेंडर? 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर वाला जी। ठीक है, मतलब स्विफ्ट वाला इंजन उसमें? नहीं, स्विफ्ट वाला नहीं है सर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फ्रॉन्क्स की। बाकी ईएमआई का भी जो आपको आइडिया था वो हमने दे दिया है। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स नेक्सा गया में। अगर आप बिहार के किसी भी एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप नेक्सा का प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो आप कॉल कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। भैया का हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर आप शोरूम विजिट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं लोकेशन जस्ट अपना वो हाईवे है, दो मॉल के सामने आपको शोरूम मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।